कैसे आप सब, आइए सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग आ रहा है नया, और 2 या 3 वीक होगा आई थिंक मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है अभी। अभी मैं जा रही हूँ कुछ प्लांट्स लेने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मार्केट गए थे तो हम वहाँ से प्लांटर्स लेके आए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं यहाँ पर। वो मुझे इतना नॉलेज नहीं है प्लांट, हाँ शौक़ है बट नॉलेज नहीं है इतना प्लांट्स का। तो अगर आप लोगों को नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आउटडोर एंड इनडोर दोनों के अंदर मुझे कौन कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए जो काफ़ी अच्छे हों। वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं, बाकी तो आप देख ही सकते हैं सारे पिंक पिंक फ्लावर्स हैं। कि कौन से पौधे हमें मिलते हैं तो वही लेके आते हैं, और लेके आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैं प्लांट्स लेके आ गई हूँ, एंड उनकी खाद में लेके आना भूल गई थी। तो मैंने जब भाई को कॉल किया, मैंने कहा तू बाहर ही है तो जाके लेके आ, तब तक वो लेके आएगा जब तक भूख लग रही है। तो बना लो सैंडविच, तो सैंडविच बना लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज ये मैं सॉस रेडी कर रही थी सैंडविच के लिए, एंड मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती फिर आपको, तो इसलिए मैंने सारा म्यूट कर दिया एंड वॉइस ओवर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियरली आवाज़ आए। और ये मैं मिक्सर तैयार कर रही थी सैंडविच के लिए, और ये मैंने घी लगाया। बैटर आप यूज़ कर सकते हैं, बटर अगर नहीं है तो मेरे पास नहीं अवेलेबल तो मैंने घी यूज़ किया। और मैंने ये नॉर्मल सैंडविच बनाया है। इसके अलावा मैंने अपने लिए चीज़ सैंडविच बनाया था क्योंकि चीज़ मेरे को अच्छा लगता है, और सैंडविच पिज़्ज़ा वगैरह के साथ तो चीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे पास घर पर पड़ा था तो मैंने उसको यूज़ ले लिया, एंड वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी आगे। तो और ये मेरा, मैंने 5 मिनट के अंदर फटाफट जल्दी से बनाना था मेरे को, तो मैंने सब कुछ इसी के अंदर मिक्स कर लिया था, आलू के अंदर ही सब कुछ, प्याज वगैरह। और ये मैंने दादी को बोला था कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ताकि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। तो ये मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी मैं। सो ये मैं चीज़ डाल रही हूँ फ्राई करने से पहले सैंडविच को। तो ये मैंने अपना चीज़ जितना मेरे को चाहिए था उस क्वांटिटी में मैंने चीज़ डाल दिया है इसके अंदर, और चीज़ से ये ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, एंड बाहर वाला मार्केट वाला टेस्ट आता है पूरा। सो एंड मुझे तो आपको पता है ये कुकिंग का कितना शौक़ है, सो मैंने वही बनाने की कोशिश की। और ये मेरा बन के रेडी हो गया है सैंडविच चीज़ वाला। तो ऊपर से मैं थोड़ा इसको गार्निश कर रही हूँ चीज़ के साथ, तो थोड़ा सा मैं चीज़ इसके अंदर ऐड किया है, और मैंने खाया काफ़ी अच्छा लगा। आप भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, तो अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, बहुत ही कम चीज़ों के अंदर ये बन जाता है। जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह अगर आपको बनाना है तो काफ़ी अच्छा होता है, एंड हेल्थी भी है। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सो मुझे तो जब भी भूख लगती है और कुछ नहीं मन करता खाने का, इच्छा नहीं होती कुछ खाने की, या फिर बाहर का खाने का मन करता, मैं इस टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ। और यह मैंने सॉस से इसको थोड़ा सा गार्निश किया है, और गार्निश करने में देखिए आप कैसा लग रहा है, एकदम टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था ये। आप लोग घर पे अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ट्राई कर सकते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे। तो कल सब प्लांट्स वगैरह हम लोगों ने लगाए थे, जो कि आप देख सकते हैं पीछे। एंड ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर उसमें ही लग गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स हमने लगाए हैं, तो चलिए। ये प्लांट है जो हम कल लेके आए थे, एक इसके अंदर आई थिंक रेड या फिर पर्पल कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। मुझे नाम इसका याद नहीं है कि एक्चुअल में इस प्लांट का नाम क्या है, बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं ये एक ये लेके आई थी कल, एंड एक ये लेके आई थी मैं प्लांट कल। ये है गेंदे का पौधा, गेंदे का जो फूल होता है जिनकी माला वगैरह बनती है उसी का ये पौधा है। एंड इसका अब सीज़न भी होता है, इसके अंदर फ्लावर्स निकलेंगे, जब निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड ये है मनी प्लांट, मनी प्लांट की बेल है ये, एंड कहते हैं कि ये घर के लिए काफ़ी शुभ होता है। सो एंड काफ़ी प्यारा भी है ये। तो एक मैं ये लेके आई थी कल, एंड कल मैंने ये बॉटल्स डेकोरेट की थी। 2 ही डेकोरेट हो पाई थी कल, बट मैं 2 और डेकोरेट करूँगी, उसके बाद मैं इनको यहाँ या तो फ्रंट में कहीं पे या फिर यहाँ पीछे कहीं एडजस्ट करूँगी, इनको लगाऊँगी ताकि थोड़ा सा लुक भी अच्छा है। एंड मुझे तो काफ़ी
आप लोग इमेजिन करके देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के भी, एंड मैंने कहीं देखा भी था ये। सो कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आई थिंक बेटर रिजल्ट निकल गया है। सो देखते हैं। एंड और कौन सा था मेरे पास, सबसे इम्पोर्टेंट एक रोज़ का पौधा था मेरे पास जो कि मैं आपको, ये देखिए ये रोज़, ये फोकस नहीं ले रहा पता नहीं क्यों, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फूल निकल चुका था पहले भी, अब एक और यहाँ निकलेगा आई थिंक फूल, और एक यहाँ पे भी निकलेगा शायद, ये फोकस नहीं पकड़ रहा पता नहीं क्यों। एनीवे एक ये रोज़ का है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो रोज़ का पौधा है ये अलग रोज़ का पौधा है, एंड जो एक्चुअल में रोज़ होता है वो अलग होता है। सो मुझे येलो, पिंक, वाइट एंड रेड चारों रोज़ेस के मुझे पौधे लगाने हैं, तो उनके प्लांट्स कहाँ मिलेंगे एंड उन्हें कैसे लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, प्लीज़ अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने पता किया था और मुझे नहीं पता चला। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड किस किस को प्लांट्स का शौक है जो ये वीडियो देख रहा है वो भी कमेंट करना, एंड किसने अपने घर पे ऐसी ग्रीनरी कर रखी है, छोटा सा गार्डन बना रखा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। घर में थोड़ा सा भी ऐसा ग्रीनरी सा रहता है ना तो पॉजिटिविटी सी रहती है, एक अच्छा सा फ्रेशनेस रहता है। और सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एक्चुअली में वो रेसिपी जो थी वो एकदम मैंने फटाफट में बनाई थी, 5 मिनट वाली रेसिपी थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड या दैट्स इट इन दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी थोड़ा सा डिले हो रहे हैं मेरे व्लॉग्स तो उसके लिए आई एम सॉरी, एंड बाकी यार सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को। सो या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पीस आउट।